हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये स्टमक हिंदी एक्सप्लेनेशन का पार्ट 7 है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वी जरूनी से मिलती है और उसे सब कुछ बता देती है और साथ ही उसे बोलती है ये इन्फॉर्मेशन कहीं और लीक नहीं होनी चाहिए। जरूनी इस इन्फॉर्मेशन से शेयर खरीद कर अपने प्रॉफिट को बढ़ाना चाहती थी। नेक्स्ट सीन में वे एक्स यानी डिट की कंपनी ने दूसरी कंपनी के साथ एक डील डन की थी। सब लोग कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे होते हैं। उसके बाद वो लोग पूछते हैं डिट जिस लड़की से शादी करने वाला है वो लड़की कौन है, कौन सी फैमिली से है। इन सबको लग रहा था कि वो बहुत बड़ी फैमिली से होगी, लेकिन डिट के डैड उन्हें बताते हैं वो डिट की सेक्रेटरी है। ये सुनने के बाद उन लोगों के फेस में अजीब से रिएक्शन आ जाते हैं, लेकिन डिट की मोम डैड को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। लेकिन कोर्ट को बहुत ज्यादा शर्मिंदगी महसूस हो रही थी कि उसकी होने वाली भाभी एक मामूली सी सेक्रेटरी है, वो भी डिट की। उसके बाद हॉस्पिटल में डिट को होश आता है। दाऊ उसके साइड में सो रही थी। डिट उसे डिस्टर्ब किए बगैर वॉशरूम में चला जाता है। तभी दाऊ की आंखें खुल जाती है और पूछती है तुमने मुझे उठाया क्यों नहीं। डिट बोलते मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। दाऊ बोलती अगर तुम गिर जाते तो क्या होता। डिट बोलता मुझे सही नहीं लगा तुम्हें परेशान करना। दाऊ बोलती हम दोनों शादी करने वाले, शादी के बाद एक दूसरे का ख्याल तो रखना ही है, तो मैं भी वही कर रही हूँ। ये सुनने के बाद डिट तो खुश हो जाता है और वॉशरूम से निकलकर बाहर आता है। दाऊ को लेक्चर खत्म हो ही नहीं रहा होता। डिट बोलता है मैं जल्दी से ठीक होना चाहता हूँ। डिट उसे पास खींच के बोलता है क्योंकि मैं जल्दी से ठीक होकर तुम्हारे साथ बेबी प्लान करना चाहता हूँ। दाऊ बोलती है कल ही तुमने मुझे प्रपोज किया है और आज बेबी प्लान करने की बातें कर रही हो, तुम्हें शर्म नहीं आती। डिट बोलता है इसमें शर्म वाली क्या बात है। दाऊ बोलते चुपचाप आराम करो। इसके बाद जरूरी अपने हस्बैंड के साथ हॉस्पिटल आई हुई थी। दाऊ को सामने के रूम में देखने के बाद जरूरी अपने हस्बैंड को पानी पीने का झूठा बहाना कर वहाँ से चली जाती है। डॉक्टर से मिलने आती है जिसने दाऊ का चेकअप किया था। डॉक्टर से जरूनी को पता चल जाता है कि दाऊ प्रेग्नेंट नहीं है। ये जानने के बाद जरूनी तो शॉक में चली जाती है, यानी अभी तक मैं गलत समझ रही थी। उसके बाद घर जाते टाइम जरूनी को पता चलता है डिट दाऊ से जल्दी शादी करने वाला है। ये जानने के बाद तो उसकी शक्ल पर बारह ही बच जाते हैं। उसके बाद जरूनी रोबोट के ऑफिस में पहुंचती है। मैनी उसे रोकने का ट्राई करती है। रोबोट बोलता है इट्स ओके, मैंने इसे मिलने के लिए बुलाया था। जरूनी पूछती है मैं वे एक्स कंपनी की मेंबर हूँ, फिर भी मुझे नहीं पता था कि वे एक्स किसी और कंपनी के साथ मर्ज हो रही है, पर तुम्हें ये बात कैसे पता चली। अब रोबोट उसे बता तो नहीं सकता था वो किन तरीकों से ये सारी इन्फॉर्मेशन निकलवाता है। रोबोट उसे बोलता है तुम्हें ये पूछने का कोई हक नहीं है। इसके बाद जरूरी रोबोट के साथ उसका मेंबर बनने के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेती है। इसके बाद ऑफिस में मेहता डिट के पास आती है। डिट उसे कंटेनर वाले मामले के बारे में इन्वेस्टिगेट करने को कहता है और उसे बोलता है पता करो उन कंटेनर के घपले वाले मामले में किसने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, क्योंकि लास्ट पेज गायब है। साथ ही डिट उस कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर देता है जिनसे वो कंटेनर लेते थे। बाहर आने के बाद मेहता को पता चलता है वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वाली जरूरी थी। मेहता की आंखें तो फटी की फटी रह जाती हैं। हॉस्पिटल में दाऊ को दिखाया जाता है। जरूरी का डिटेक्टिव अभी भी दाऊ के पीछे था। दाऊ कमरे में जाने से पहले रिंग निकालती है। मैनी के आने की वजह से दाऊ अंदर जा नहीं पाती। मैनी दाऊ को बताती है जरूरी आज रोबोट से मिलने आई थी। दोनों सोच में पड़ जाती हैं, पता नहीं दोनों मिलकर कौन सी खिचड़ी पका रहे हैं। इसलिए दाऊ बोलती है मैं डिट को बहुत जल्दी सारा सच बताने वाली हूँ और मैं उसे बहुत प्यार करती हूँ। मैनी पूछती है तुम्हें पता है ना इसका अंजाम क्या होगा। हो सकता है डिट तुमसे नफरत करने लगे। दाऊ बोलती है फर्क नहीं पड़ता, उसकी फैमिली मेरे डैड से मिलना चाहती है और मैं अब उन लोगों को अपने डैड से मिलवाने वाली हूँ। इसके बाद रूम में दाऊ को पुम से पता चलता है उसके डैड की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ गई है। दाऊ अपने डैड को व्हीलचेयर पर लेकर बाहर आती है और दाऊ अपने डैड को डिट के बारे में बताने वाली होती है, लेकिन उससे पहले उसके डैड बोलते हैं मुझे पता है तुम अपने बॉस महा को डेट कर रही हो, वरना कौन सा बॉस अपनी सेक्रेटरी के डैड का इतना ध्यान रखता है, वो भी आजकल के जमाने में, और मैंने उसकी आंखों में तुम्हारे लिए प्यार भी देखा है। दाऊ अपने डैड को बोलती है जिसे मैं डेट कर रही हूँ वो कोई और है, मैं जल्दी आपको उससे मिलाऊंगी, उसने मुझे प्रपोज भी किया है। और ये बोलकर अपने डैड को रिंग दिखाती है। उसके डैड बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। इसके बाद मेहता जरूनी को वो कॉन्ट्रैक्ट साइन वाला एग्रीमेंट फोटो क्लिक कर भेज देती है। कॉफी शॉप में दाऊ और डिट बात कर रहे थे। दाऊ पूछती है जरूर कोई तुम्हारा दुश्मन हो। डिट बोलता है नहीं माँ के अलावा मेरा और कोई दुश्मन नहीं। दाऊ बोलती है माँ ऐसा नहीं कर सकता। डिट बोलते तुम उसे प्रोटेक्ट क्यों कर रही हो। दाऊ बोलती है मैं उसे प्रोटेक्ट नहीं कर रही, बस बता रही हूँ। डिट बोलता है पता नहीं कौन है वो, पुलिस भी इस बारे में पता लगाने का ट्राई कर रही है। इसके बाद जरूनी मेहता से मिलने जाती है। मेहता अपना मुंह बंद रखने के लिए 2 मिलियन मांगती है। जरूनी 2 मिलियन पे करने के लिए मान जाती है। इसके बाद दाऊ रूम में आती है। डिट सो चुका था, डिट के हाथों में वही फाइल थी। दाऊ उसे देखने लगती है। कंटेनर वाले मामले को लेकर वो सारी इन्फॉर्मेशन होती है जो मेहता ने उसे दी थी। नेक्स्ट मॉर्निंग डिट की मोम दाऊ से मिलने आती है। डिट की मोम उसे बोलती है अपने पेरेंट्स से मिलाने के लिए।
फिर बोलता है इसके डैड अभी हॉस्पिटल में है। उसकी मॉम बोलती है ऐसी बात है तो डिट को मिलाने के लिए ले जाओ, एटलीस्ट उन्हें अपने होने वाले दामाद से मिलना चाहिए। नेक्स्ट जरूनी मेहता को पैसे दे देती है। इसके बाद जरूनी अनोंग के पास आती है। अनोंग ने भी इस घोटाले में जरूनी का साथ दिया था। जरूनी उसे बहुत ज्यादा सुनाती है क्योंकि उसे पता चल गया था डिट ने एग्रीमेंट कैंसिल कर दिया है। नेक्स्ट सीन में दाऊद ग्रीन नाम के स्टाफ मेंबर के पास जाकर उस कंटेनर वाली एग्रीमेंट की कॉपी मांगती है। ग्रीन उसे वहाँ से भेज देती है। ग्रीन अनोंग को जाकर ये सब कुछ बता देती है। ग्रीन भी अनोंग के साथ इन सब घोटाले में शामिल है। यहाँ में फ्लैशबैक में दिखाया जाता है जरूनी ने एक फेक कंपनी बनाकर अपने ही लोगों को उसमें शामिल कर लिया और अपना नाम कहीं भी मेंशन नहीं होने दिया। प्रेजेंट में अनोंग उस मामले से रिलेटेड सारी फाइल को डिस्ट्रॉय कर देती है। ताओ वेट कर रही थी क्योंकि ग्रीन ने अभी तक उसे वो डिटेल भेजी नहीं थी। ताओ ग्रीन को कॉल कर पूछती है। ग्रीन बोलती है मैंने तो मिसेस अनोंग को बोल दिया था पर अभी तक आई नहीं तो मैं आपको कैसे भेजूं? ताओ सोच में पड़ जाती है एक फाइल कॉपी कर देने में परसुइंग डिपार्टमेंट को इतना समय कैसे लग रहा है। और तभी उसे याद आता है आज सुबह जरूरी परसुइंग डिपार्टमेंट में आई थी। हमेशा तो वो ऑफिस में अकाउंट डिपार्टमेंट जाकर वहाँ से चली जाती है तो इस बार उसे क्या काम पड़ गया। इसके बाद दाऊ सबके जाने के बाद परसुइंग डिपार्टमेंट में जाके वो फाइल ढूंढ रही होती है। उसे डस्टबिन में बहुत सारे पेपर मिलते हैं। इसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है। अलार्म बजता है, दाऊ उठती है और उन पेपर के टुकड़ों को जोड़ने का ट्राई करती है। ये करते करते दाऊ को सुबह हो जाती है पर उसका कोई काम बन नहीं पाता। दाऊ डिट के उठने से पहले सोने का नाटक करने लग जाती है। डिट उठता है, उसके बाद वॉशरूम में भाग जाता है। वापस रूम में आने के बाद डिट दाऊ को बोलता है मैं बहुत ज्यादा नर्वस हो रहा हूँ, प्लीज मेरी मदद करो ना। एक्चुअली मैं आज डिट दाऊ के डैड से मिलने जाने वाला है इसीलिए डिट बहुत ज्यादा नर्वस होता है। वो नहीं चाहता दाऊ के डैड के सामने उसका इम्प्रेशन खराब हो। दाऊ बोलती है तुम जो भी पहनोगे मेरे डैड को अच्छा ही लगेगा, फिक्र मत करो। डिट और दाऊ हॉस्पिटल में पहुंचते हैं। रूम में आने के बाद दाऊ शोक हो जाती है क्योंकि उसके डैड वहाँ नहीं होते। रॉबर्ट ने उसके डैड को वहाँ से गायब कर दिया होता है और वहाँ पर उसके नकली पेरेंट्स बनकर बैठे होते हैं। दाऊ तो सारा मामला समझ जाती है लेकिन डिट को लग रहा होता वही उसके पेरेंट्स हैं। डिट उसके पेरेंट्स को इम्प्रेस करने की कोशिश में लगा होता है पर दाऊ बहुत ज्यादा परेशान होती है और बोलती है आप लोग बात करो मैं कॉफी लेकर आती हूँ। उसके बाद दाऊ बाहर आती है, रॉबर्ट उसे मिल जाता है। दाऊ उसके साथ बात करने चाहती है। रॉबर्ट बोलता है तुम्हें क्या लगा, तुम बताओगी नहीं तो मुझे पता नहीं चलेगा तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पीछे ऐसा करने की। यहाँ फ्लैशबैक में दिखाया जाता है मैनी ने रॉबर्ट को कहा था सर मैं दाऊ से मिलने जा रही हूँ। रॉबर्ट को सब चीजों की वजह से डाउट होने लगा था क्योंकि दाऊ के डैड के ट्रीटमेंट के लिए बहुत पैसे लगने वाले थे पर मैनी और दाऊ दोनों ही उससे कम पैसे ले रहे थे इसलिए रॉबर्ट मैनी के पीछे आ गया था। दाऊ और मैनी की सारी बातें सुन ली थी जिससे उसे पता चल गया था दाऊ डिट को सच बताने वाली है और उसे अपने डैड से भी मिलवाने वाली है इसलिए रॉबर्ट ने दाऊ को अपने इशारे पर नचाने के लिए ये सब किया है। रॉबर्ट बोलता है तुम जैसी बेवकूफ लड़की मैंने आज तक नहीं देखी, तुम ऐसे कैसे सोच सकती हो। दाऊ बोलती है मैं अब डिट से कुछ भी छुपा नहीं सकती, मैं उससे प्यार करती हूँ। रॉबर्ट बोलता है तुम उससे शादी करने वाली हो और मुझे पता भी नहीं। एक बात याद रखना अगर तुमने डिट को कुछ भी बताया पैसों के बारे में तो भूल जाना मैं तुम्हें तुम्हारे डैड के बारे में बताऊंगा। दाऊ पूछती है मेरे डैड कहाँ है। रॉबर्ट बोलता है अभी तो जिंदा है और यही हॉस्पिटल में है पर बता नहीं सकता कब तक ठीक रहेंगे। ठीक है अगर रॉबर्ट वहाँ से चला जाता है। घर में आने के बाद दाऊ की उतरी हुई शक्ल देखने के बाद डिट उससे पूछता है क्या हुआ। तुम्हारे डैड को मिलने के बाद मुझे तो लगता है उनको मैं पसंद आ गया हूँ, कहीं तुम मुझसे शादी करने के लिए मना तो नहीं करने वाली हो। दाऊ बोलती है ऐसी बात नहीं मैं बस सोच रही हूँ ये सब जल्दी में हो रहा है मुझे घबराहट हो रही है। डिट बोलता है इसमें घबरा क्यों रही हो, मुझसे प्यार करती हो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, एक कपल साथ रहने के लिए शादी करेंगे फिर बेबी प्लान करेंगे तो इसमें गलत क्या है। और ये बोलकर उसे हग कर लेता है। बहुत बुरा लग रहा था, वो सब कुछ सही करना चाहती थी पर फिर से उसे डिट से सब कुछ छुपाना पड़ेगा। इसके बाद जरूनी का डिटेक्टिव उससे मिलने आता है, उसे दाऊ के बारे में सब कुछ पता चल गया था इसलिए उसको आकर बता देता है। जरूनी सोच में पड़ जाती है अगर रॉबर्ट का प्लान दाऊ की शादी डिट से कराने का है तो दाऊ के लिए तो दोनों हाथों में लड्डू वाली सिचुएशन हो जाएगी। साथ ही डिटेक्टिव उसे ये भी बताता है कि रॉबर्ट उसे डांट रहा था। जरूनी को समझ नहीं आता रॉबर्ट आखिर क्यों दाऊ को सुना रहा था जबकि वो खुद उसकी शादी उससे कराना चाहता है, इसलिए जरूनी डिटेक्टिव को इस बारे में सब कुछ पता करने के लिए बोलती है। दाऊ रॉबर्ट से मिलने उसके ऑफिस आती है, यहाँ वो अपने डैड के बारे में जानना चाहती थी। रॉबर्ट बोलता है अगर दोबारा तुमने मुझसे कुछ भी छुपाया तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। दाऊ पूछती है मेरे डैड कहाँ है, रॉबर्ट उसे उसके डैड का रूम नंबर बता देता है। दाऊ बोलती है तुम जो भी बोलोगे मैं वो सब करूंगी पर मेरे डैड के साथ कुछ भी होना नहीं चाहिए। रॉबर्ट बोलता है अब से तुम्हें मुझे डिट क्या सोचता है, उसके बिजनेस प्लान क्या है,
ये सब कुछ बताना होगा। इसके बाद रोबर्ट एक रिपोर्टर से मिलता है, वो उसे एनवलप में कुछ देता है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है जरूरी ने रोबर्ट से बोला था मुझे वे एक्स कंपनी के शेयर चाहिए और इस काम के लिए जरूरी ने रोबर्ट को पैसे भी दिए थे। प्रेजेंट में रोबर्ट वहाँ से चला जाता है, वो रिपोर्टर उस एनवलप को खोलता है, उसमें इन्फॉर्मेशन थी वे एक्स के एग्जीक्यूटिव सीईओ डिट को किसी ने गोली मार दी, ये सब उनकी बिजनेस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से हुआ होगा। उसके बाद ये न्यूज अब मार्केट में आग की तरह फैल जाती है। ये न्यूज अन के दोस्त टैड को भी मिलती है और वो अन को आके दिखाता है डिट को गोली लगी है। जानने के बाद अन तो बहुत ज्यादा परेशान होने लग जाती है। लव के फेक पेरेंट्स आज डिट के घर मिलने आए हुए थे, सब कुछ नॉर्मल जा रहा था। इधर वे एक्स के शेयर प्राइस बहुत डाउन हो चुके थे, कोर्ट कंटिन्यूसली उसे कॉल करने का ट्राई कर रही थी। जरूरी शेयर प्राइस कम होने के बाद जितना हो सके सब शेयर खरीदने के लिए अपने लोगों को बोल रही थी। लव के फेक पेरेंट्स सारा काम कर कर वहाँ से चले जाते हैं। तब उनके जाने के बाद डिट नोटिस करता है उसकी बहन ने उसे इतनी बार कॉल किया था, वो उसे कॉल बैक करता है। कोर्ट से उसे सब कुछ पता चल जाता है, डिट अपने पेरेंट्स और दाऊ को सब बता देता है। इन लोगों को समझ नहीं आता इतनी बड़ी बात बाहर कैसे निकल गई, क्योंकि डिट के डैड ने ये शोर किया था ऑफिस में किसी को भी इस बारे में पता ना चले। के बाद डिट मीडिया के सामने आके बताता है मुझे ज्यादा चोट नहीं आई थी, मैं ठीक हूँ। जरूरी ये सब देख रही होती है, ऑफिस में बोर्ड मीटिंग चल रही होती है। डिट की फैमिली शेयर होल्डर्स को शांत कराने में लगी हुई थी, क्योंकि शेयर होल्डर इतनी बड़ी बात बाहर आने की वजह से वे एक्स से बहुत नाराज थे। इसके बाद डिट थका हुआ परेशान हैरान मीटिंग में आता है, दाऊ उसे हग कर कंसोल करती है। अन भी वहाँ आई हुई थी, ये देखने के बाद वो बहुत हर्ट हो जाती है। उसके बाद जरूरी को दाऊ के अगेंस्ट जितने भी सबूत चाहिए थे वो सब मिल चुके थे। इसके बाद जरूरी अन के अपार्टमेंट के सामने जाके उसके रूम के आगे वो सारे सबूत रख देती है। यहाँ पर अन ये सब देखकर बहुत कंफ्यूज थी, उसे समझ नहीं आ रहा था उसे आगे क्या करना चाहिए। बहुत ज्यादा परेशान होता है और दाऊ को बोलता है मैं हॉस्पिटल में था, ये बात बस कुछ लोगों को पता थी, कौन हो सकता है मेरे साथ गलत होने के बाद फायदे में रहने वाला। के बाद माँ और फोफा को दिखाया जाता है, फोफा बोलता है तुमने वे एक्स और डिट के बारे में न्यूज तो सुनी होगी। माँ बोलता है डिट और उसकी कंपनी का कॉम्पिटिटर मैं हूँ, पर उसके लिए बुरा सोचने वाला और कोई है, क्या हो सकता है मैं भी हूँ। फिलहाल तो तुम्हारे पास देखने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। इसके बाद अंजरूनी को मैसेज करती है, कल वो उसे मिलने के लिए बुलाती है। इसके बाद दाऊ अपनी दोस्त मैनी को कॉल कर पूछती है क्या ऐसा हो सकता है जरूरी और रोबोट मिले हुए हो। और बाद में दोनों दोस्त मिलकर ये कंक्लूजन निकाल लेती है जरूरी के भी वेएक्स कंपनी में शेयर्स हैं, तो रोबर्ट को इससे क्या फायदा होगा वेएक्स का नाम खराब कर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन का बटन प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सारंगे बाय बाय।